पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान में बुद्धि बिहार के विजय पार्क में चल रहे हनुमान जन्मोत्सव पर्व के तीसरे दिन शनिवार को संकट मोचन यज्ञ किया गया। पूर्णाहुति के साथ ही श्रद्धालुओं ने देश तथा परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। भंडारे के साथ कार्यक्रम को विश्राम दिया गया। सभी धार्मिक अनुष्ठान महंत संजय अग्रवाल ने श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर में पूरे किए। मुख्य यजमान विनोद राय और नीलम राय, शैलेंद्र प्रकाश गुप्त, शैलेंद्र अग्रवाल रहे। इस दौरान अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, महामंत्री डॉक्टर डीएस चौहान, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, संजीव अग्रवाल, हरिओम गुप्ता के साथ और भी लोग मौजूद रहे। शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, महाकालेश्वर बालाजी धाम के तत्वाधान में 3 दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 14 तारीख को भजन संध्या झांकी की व्यवस्था रखी गई थी और 15 तारीख को झांकी की व्यवस्था, भजन संध्या और 56 भोग का विशाल कार्यक्रम था। भक्तों ने बहुत ही आनंद के साथ इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और प्रसाद ग्रहण किया। 16 तारीख आज सुबह महायज्ञ के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया है और लगातार भंडारा चल रहा है, ये प्रभु इच्छा तक चलेगा। क्षेत्र के सभी प्रेमियों ने, भक्तों ने इस कार्यक्रम का बड़ा आनंद लिया। श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर तथा श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परसों इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, समापन 2 दिन भजन संध्या और कल बाबा जी का 56 भोग लगा था। आज सुबह से संकट मोचन यज्ञ हो रहा है जिसमें भक्तों ने राष्ट्र और परिवार के कामना की है, हित की कामना की है। अभी भंडारे का आयोजन किया जाएगा, भंडारा चलना है और इसके बाद में हजारों भक्त यहां पर बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये आयोजन पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा है, 2 साल कोरोना की वजह से हम इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे और जो धर्म प्रेमियों उनसे? सभी धर्म प्रेमियों से ये अनुग्रह करूँगा कि बाबा जी का नाम लें और बाबा के दरबार में जब भी ऐसे आयोजन हो हाजिरी लगाएं, क्योंकि संकट मोचन बाबा कहे जाते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे संकट होते हैं, बाबा बालाजी महाराज उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।